मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम निष्ठा पांडे है। मैं कक्षा चौथी स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष दादा दादी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर साल पूरे विश्व में सितंबर महीने के दूसरे रविवार को दादा दादी दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय में आज दादा दादी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैंने अक्सर अपने दादाजी को यह गीत गुनगुनाते हुए सुना है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस गीत में जिस किस्ती की बात की गई है, शायद वह हमारे देश के महान धरोहर, हमारी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा की किस्ती है, जिसे हमारे दादा दादी ने सहेज कर हमारी पीढ़ी को सुरक्षित सौंपा है। इस आशा के साथ कि हम इसकी देखभाल और भी प्यार से करेंगे। हमारा परिवार एक विशाल पेड़ की तरह है और हम बच्चे उस विशाल पेड़ पर उगने वाले सुंदर सुंदर फल व फूल हैं। हमारे दादा दादी वो तो इस विशाल पेड़ की मजबूत जड़ है, जो अपने त्याग, प्यार, संस्कार और अनुभव से इस पेड़ को सींचते हैं। हम अक्सर इस विशाल पेड़ को तो देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि
इस विशाल पेड़ को अपने पैरों पर खड़ा करने के पीछे इसकी न दिखने वाली मजबूत जड़ों का त्याग और परिश्रम है। यही तो वजह है कि चाहे आंधी तूफान बारिश हो, कड़ी धूप हो, ठंड हो या कोई भी मुश्किल आए, यह पेड़ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। हमारे दादा दादी कभी खेल खेल में तो कभी किस्से कहानियों के जरिए हमारे अंदर अच्छी शिक्षा, संस्कारों और आदर्शों के बीज बोते हैं। हमारे दादा दादी हमें सच झूठ अच्छे बुरे का फर्क बताते हैं। वे ना केवल हमारे शिक्षक हैं, बल्कि वह हमारे माता पिता के भी मार्गदर्शक हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा विद्यालय प्रति वर्ष दादा दादी दिवस का आयोजन कर उनके जीवन से सीख लेने का अवसर प्रदान करता है। हम सब मिलकर अपने दादा दादी एवं नानी नाना नानी का सम्मान करें, उनके पद चिन्हों पर चढ़े और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी दादा दादी एवं नाना नानी को लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। నా పేరు హర్ని. నేను 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ రోజు నేను అమ్మమ్మ తాతలు నానమ్మల గురించి చెప్పబోతున్నాను. అమ్మమ్మ తాతలు నానమ్మలు మనకి దేవుడు ఇచ్చిన బహుమతి. మనం ఏదడిగినా ఇస్తారు. మనం అరిగిన వంటలు చేస్తూ మనని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. వాళ్ళు అందరి ఫ్యామిలీకి వెన్నెముక, ఇంట్లో అందరి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు మన బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. అమ్మ నాన్నలు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు టైంకి అన్నం పెట్టి మన ఆలన పాలన చూసుకున్నారు. అలాగే ఏది ఒప్పో ఏది తప్పు కూడా చెప్పారు. ఉదయం లేచి స్నానం చేసి దేవుడికి దీపం పెట్టి మన గురించి మొక్కుకున్నారు. మనం మంచి చదువుకోవాలని, అలాగే మనం బాగుండాలని. ధన్యవాదాలు. Blessed are those who have their grandparents at home. I never understood it until I lost them. Grandparents are someone with silver in hair and gold in their hearts. They are a true blessing in our lives. They advise about great values in life and moral values in life. They are our support system and are the only people who support us when the world puts us down. They inculcate moral values in us and advise us about great values in life. Grandparents hold our tiny little hands just for a little while, but our hearts forever. On this note, may I now invite the students of the primary section of KV Cricket to present a skit titled Ashirwad. Shubhprabhat. आज हम केंद्रीय विद्यालय पिकेट के बच्चे आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आशीर्वाद। हम आजकल अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको भूल गए हैं। आजकल सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही एक घर का हाल। पैसे से कुछ खरीद लेना। आपकी इतनी पैसों के लिए मुझे
मुझे शॉप तक जाना है क्या? मेरे कॉलेज वाले ट्रिप पे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। ये सब काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। प्लीज बेटा नो आई हैव टू गो एंड डू सम यो-यो मैन। बाय दादू। बेटा मैंने तुमको बोला था मेरा चश्मा टूट गया है, थोड़ा रिपेयर करवा दो। पिताजी क्या आप देख नहीं सकते मैं ऑफिस के लिए कितना लेट हो रहा हूँ? मेरे पास अभी समय बिल्कुल भी नहीं है। और आप भी तो जा सकते हैं दुकान, जब से रिटायर हुए हो तब से घर में ही रहते हो, इसी बहाने आपका टहलना भी हो जाएगा और काम भी। अब तो आपका काम नहीं हो पाएगा, जब अगले महीने मेरी सैलरी आएगी तब करवा दूंगा। मैं तो जा रहा हूँ। अजी क्या हुआ? मेरा चश्मा टूट गया है, मैंने सबको बोला था, किसी के पास टाइम नहीं है। बिना चश्मे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, अभी आप क्या करोगे? अब मुझे ही जाना पड़ेगा दुकान। तो संभल कर जाना। ठीक है। The next scene is in the bank. And Dadaji goes to the bank. अरे दादाजी कहाँ जा रहे हैं? लाइट है, लाइट फॉलो करिए। बेटा मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ। लेकिन दादाजी हम भी तो तब से खड़े हैं ना, अब पीछे जाके खड़े हो जाइए। बेटा मैं इतने देर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मेरा सांस फूल रहा है। तो मैं क्या करूं? आपके लिए लंच टाइम ही चेंज कर दूं क्या? जाइए जाइए। अरे भाई साहब, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप इनका काम कर दीजिए, बूढ़े आदमी का काम करना भला काम होता है। मुझे माफ कर देना दादाजी। आइए मैं आपका काम अभी कर दूंगा, आप बैठिए दादाजी। भगवान आपका भला करे। The next scene is at the road where Dadaji is returning from the bank.
दीदी आपको चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हम पास के टिफिन सेंटर में खाना खाने आए थे। क्यों, आपके सारे परिवार वाले कहाँ हैं? वो पोती का जन्मदिन मना बाहर गए थे। अच्छा, पिंकी का? हाँ बेटा। तो आप लोग क्यों नहीं गए? छोटों का पार्टी में बड़ों का क्या खाबे बेटा? ऐसा कुछ नहीं होता दादाजी, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे पिज्जा तो मस्त था और नूडल्स भी। आइसक्रीम तो सबसे अच्छा था। मैंने तो दो खा लिए। मैंने तो तीन खा लिए। अरे पिताजी, आप दोनों कहाँ चले गए थे इतनी रात को? हम आपके लिए बहुत परेशान हो गए थे। परेशान? कैसा परेशान? आपको इनकी जरा सी भी चिंता है? ये रात को अकेले टिफिन सेंटर खाना लेने गए थे और वहाँ आपकी माँ गिर गई थी। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस पैर में थोड़ी सी मोच आई है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आपको इनकी थोड़ी सी तो चिंता होनी चाहिए, जिन्होंने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, इतनी अच्छी नौकरी दिलाई, आज आपने उनको छोड़ दिया। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। इनका आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हो। समझ में आ गया, मुझे माफ कर देना प्रेम भाई। माफी मुझसे नहीं, अपने माता पिता से मांगिए। मुझे माफ कर देना पिताजी, आज तक आपकी अहमियत मुझे पता नहीं चली, आज पता चल गई आपकी अहमियत। बड़ों का काम है छोटों को माफ करना। सॉरी मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बीती बातों को भूल जाते हैं। अरे दादाजी, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपको सब जगह ले जाएंगे। हाँ, अगले बार में आपको भी लेके जाएंगे। ठीक है बेटा। आपसे है हमारा जीवन रोशन, आप ही करते हैं मार्गदर्शन। मम्मी पापा के दाल से बचाते हैं आप, हमारी सभी जिद पूरी करते हैं आप। भगवान का रूप है आप, जिंदगी को धन से बचाने वाली रूप है आप। आपको सादर प्रणाम, आपको सादर प्रणाम, आपको सादर प्रणाम। लेट्स गो। भगवान परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से वो उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा यही साया उसके काम आएगा।
कभी कभी मोटी बन जाती है। दादाजी की छड़ी में चांद कुछ खड़ी में दादाजी की छड़ी में आग पीछे खड़ी में के सामने हमेशा छोटे ही रहे।